पाकिस्तानी ऐसे थे देती मैं तेरे मुंह के अंदर लानत पड़ी तेरी जिंदगी पे। तेरी हया होता, गैरत होता, तू पाकिस्तान के खिलाफ जाता, बेगैरत औरत, तेरे को शर्म नहीं है? हाँ, तुम कब तक बैठेगा इंडिया में? ये तू कितना भी घटिया, आपने जो जहर उगल रहे ना, ये आप बहुत पछताएगा सीमा, बहुत पछताएगा। मुल्क के खिलाफ बात नहीं करो। हाँ, तुमने भी पला पोसा इधर बड़ा हुआ, तेरे को शर्म होता, हया होता, गैरत होता, थोड़ी सी भी अगर इंसानियत होती, शायद वो भी आपको नहीं है। आप कुछ भी अपना मुंह काला भी करो और फिर भी आपको इंडिया पर्सनैलिटी नहीं मिलेगी। ये जो मंथन के पाउडर और क्रीम लोगों को लगा के एक मीडिया में बैठ के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे, कुछ लोग बन रहे हैं, सब इसको जुत्ती और लानत और थूक लगा रहे इसके मुंह के अंदर। पाकिस्तानी ऐसे थे देती मैं तेरे मुंह के अंदर, लानत है, लानत पड़ी तेरी जिंदगी पे। तेरी हया होता, गैरत होता, तू पाकिस्तान के खिलाफ जाता, बेगैरत औरत, तेरे को शर्म नहीं है? हाँ, तुम कब तक बैठेगा इंडिया में? कब तक लोग तेरे को रखेंगे? बेनसल है, बेशर्म है तू, बेगैरत है, घटिया औरत है तू, लानती घटिया औरत, एक बेनसली जाके उधर बकबक कर रहा है, बेगैरत, तेरे को शर्म नहीं है? काकड़े से जुबान से खींच के आपको ये बाहर निकालेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है। आज तू इंडिया में बैठ के सोच रहा है मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है, जो तेरा हश्र होगा ना कुत्तों से भी बदतर होगा, ये याद रखना। कितना भी ये लोग कहते हैं हैदर को यार जो है ना गलत करता है, गलत नहीं करता, इस बेगरत को इस जबान से बात करना चाहिए, लानत है इसकी, लानत है इसकी जिंदगी पे। इंडिया जो ये मीडिया इसको भी शर्म नहीं है? नहीं जो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं हाँ ये तो भिखारी है, क्या हम हमारे को तुम भीख देते हैं? शर्म आना चाहिए आपको। आप एक अच्छे चैनल पे बैठ के कौन सी बातें करवाते हो? पाकिस्तान भिखारी है, क्या तुम हमारे को भीख देते हैं? बेशरम, लानत है। पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा? हाँ बताओ तो सही ना, तुमने जिसको पाला पोसा बड़ा किया जिंदगी दिया आज तो उसके खिलाफ है? तेरी जिंदगी पे लानत नहीं है? बेशरम, जो इसने इतना जहर उगला मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, जहाँ जिसने पाला पोसा बड़ा किया, माँ का कब्र पाकिस्तान में, बाप का कब्र पाकिस्तान में, भाई पाकिस्तान में, बहने पाकिस्तान में, आज खिलाफ क्या कह रहे हैं यार, इसको सब पता नहीं क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रशीद अहमद, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ पंजाब। दोस्तों हैदर भाई की वीडियो आपने देखा कि हैदर भाई आज कितने एग्रेसिव मूड में थे। यकीनन मैं तो तालियां बजाऊंगा और काफ़ी सारे हमारे देखने वाले जो हैदर भाई को चाहते हैं, जो हैदर भाई को सपोर्ट करते हैं, वो खुश भी हो रहे होंगे। दोस्तों हालिया दिनों में हैदर भाई ने एक वीडियो में अच्छी खासी छित्रोल की थी सीमा की और एपी सिंह की। तो आज के इस वीडियो में उन्होंने ज़्यादा जो छित्रोल की है वो अपने साबिका जो उनके अहलिया हैं सीमा की है, और वो जो बेगैरत, वो जो लुच्चा लफंगा, जो ठरकी वकील हैं, उनकी भी अच्छी खासी छित्रोल की है इन हैदर भाई ने, और मज़ा आ गया यकीनन दोस्तों वो बुढ़ा साला ठरकी जो है वकील सीमा का, एपी सिंह, आप समझ रहे होंगे मैं एपी सिंह की बात कर रहा हूँ, वो फिर से जो है धमकियों पर उतर आए हैं। वहाँ पे जो लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो हक सच की बात करते हैं, जो समझते हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, जिनके खुद के बच्चे भी हैं, एपी सिंह के तो कोई समझो के बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं है, जिस तरह से वो ये काम कर रहा है, तो उनको अब एपी सिंह ने धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं आप लोगों के पास नोटिस भिजवाऊँगा जो मतलब है कि वहाँ पर हक सच की बात करते हैं। तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ जो इंडिया में मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं कि भाई इनकी गीदड़ भक्तियों से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक अनपढ़ जाहिल इंसान है, ये सिर्फ अपनी ठरक मारने के लिए, मतलब है कि ये इतनी बेगैरत और इतना दगड़ दल्ला इंसान है, इसको अपने बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे, इसको इतना भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं झूठ का साथ दे रहा हूँ, और सच क्या है झूठ क्या है ये तो पूरा दुनिया जानती है, इंडियन जितने भी पब्लिक है उनको पता है, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन इस अंधे वकील अनपढ़ जाहिल को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो एक चैनल है जो इंडिया टीवी, वो जो है मुझे लगता है कि बिक चुके हैं, यकीन माने दोस्तों, वो इतनी जो है दलाली, इतनी जो है वो चापलूसी में चैनल आगे निकल चुकी है इंडिया टीवी। मैं आपको फिर से बता दूँ, वो जो है अगले दिन उनके एक शो में वो बोल रहे थे कि मिथिलेश भाटी तो पैसे लेती हैं, कि सीमा जी आप तो पैसे नहीं लेती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीमा ने इंडिया में नहीं रहना, सीमा ने डिपोर्ट होना है या फिर सीमा ने इंडियन जेल में जाना है, ये मैं आपको क्लियर करके फिर से बता दूं। और हैदर के जो बच्चे हैं वो हैदर को मिलेंगे, वो हैदर को ज़रूर मिलेंगे, जो हक है वो हक है, जो झूठ है वो झूठ है। अगर हम सीमा की बात करें तो दोस्तों कुछ दिन पहले सीमा जो है इंडिया से पाकिस्तान में लोगों से रابطे कर रही थी, यकीन माने दोस्तों वो यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को फ़ोन करके धमकियाँ दे रही थी, हालांकि हैदर भाई से भी जो है बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो ATS ने जो काम किया उससे हम काफ़ी खुश हैं, ATS ने उनके मोबाइल वगैरह पकड़े और मोबाइल में जो प्रूफ वगैरह काफ़ी चीज़ें ATS को मिले हैं, नंबर्स मिले हैं, कॉल ट्रेसिंग मिली हैं, तो अब जो है उनका रابطہ मोबाइल यूज़ करना सीमा का काफ़ी कम हो चुका है। और जहां तक AP सिंह की बात करें तो AP सिंह आप घर से बाहर भी नहीं निकल रहे,
जब से ATS ने जब से बुलाया है हैप्पी सिंह को, तब से इन लोगों के ऊपर काफ़ी जो है ना सख्ती हो चुकी है, काफ़ी चेकिंग वगैरह चल रहे हैं। अब ये लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, सीमा, हैप्पी सिंह और सचिन, ये लोग अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्त अहबाबों का जो हैदर भाई को सपोर्ट करते हैं। यार आप खुद देखते हैं हैदर भाई के वीडियोस, हैदर भाई किस तरह से अफसरदा है और किस तरह से वो रो रो कर अल्लाह पाक से दुआएं मांगते हैं कि उनके जो लखते जिगर हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो वहाँ पर उन चोरों के घर में कैद हैं। दोस्तों वो चोर ही हैं, आपको पता है जिस तरह उन्होंने हैदर के घर पर डाका मारा। अगर सीमा को अगर जाना ही था इंडिया तो बच्चे छोड़ के जाता यहाँ पर और हैदर का कोई फ्लाइट वगैरह सेल नहीं करता, फिर तो हम कहते कि वो लप्पू का जो फैमिली है वो चोर नहीं है। दोस्तों उन लोगों का सीमा से ज़्यादा टारगेट जो है वो पैसा था, हैदर भाई का मकान सेल करवाया और जो वहाँ पे हैदर भाई के घर में जेवरात वगैरह काफ़ी चीज़ें थी वो सीमा ने सेल करके बेचकर सीमा चली गई वहाँ पे उस लप्पू के पास। वो लप्पू और उसका जो वालिद है, जो उसका फैमिली है, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो सब जो है चोर हैं और वो रघुपुरा जो इलाका है वो इलाका ही चोरों का है, यकीन माने दोस्तों। जिस तरह हैप्पी सिंह वहाँ पे गए, जिस तरह उन्होंने हैप्पी सिंह का वहाँ पे इस्तकबाल किया, हैप्पी सिंह को माले वगैरह पहनाए, तो वो चोर चोर को ही हमेशा सपोर्ट करते हैं और वो चोर चोर का ही इस्तकबाल करते हैं। हैप्पी सिंह भी एक चोर है जो चोरों का साथ दे रहा है, जो इस कहानी में मिला हुआ है पहले दिन से। जिस तरह से सीमा के भाई बहनें इस कहानी में मुलव्वस हैं, हैप्पी सिंह भी इसी तरह से पहले दिन से ही मुलव्वस हैं। ये सिर्फ हैप्पी सिंह का एक चाल था सचिन को आगे दिखाना, और ये सर जो ये जो सब गेम है इसका जो ऑनर है वो हैप्पी सिंह ही है। और हैदर भाई के बच्चे वहाँ पे बीमार हैं, वो लोग उनको मतलब है कि मेडिसिन वगैरह भी नहीं लेके दे रहे, शायद उनके पास वो पैसे ख़त्म हो गए जो हैदर भाई के मकान के पैसे थे। मुझे लगता है वो पैसे ख़त्म हो गए, ख़त्म तो हो नहीं थे ना वहाँ पर, क्योंकि 20-15 लोग हैं उस फैमिली के, तो वो कहाँ से खाएंगे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो फाके काट रहे थे, उनके पास ना खाने को कुछ था, ना रहने को कुछ था, ना मतलब है कि कुछ भी नहीं था। उन लोगों की कोशिश यही थी कि पाकिस्तान से लड़की आए, पैसे लेकर आए, तो वैसे ही हुआ, सीमा उनके बातों में आ गई, पैसे लेकर वहाँ पे गई। अब वो पैसों से जो है, अब हैदर के पैसों से जो लप्पू का फैमिली है वो खा पी रहे हैं, अब वो पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, अब इतने पैसे नहीं है सीमा के पास कि हैदर के बच्चों को जो है मेडिसिन लेकर दे। दोस्तों हालिया दिनों में एक आपने वीडियो देखी होगी सीमा की, जिसमें सीमा बोल रही है कि इंडियन पब्लिक के बारे में बोल रही थी कि किसी ने मुझे 10,000 दिए, किसी ने मुझे 5,000 दिए, भीख मांग रहे थे दोस्तों, भीख। और दोस्तों यकीन माने इंडियन पब्लिक काफ़ी अफसरदा हैं सीमा की इस हरकत पर। वो खुद यही चाहती है कि सीमा यहाँ से दफ़ा हो जाए, यहाँ पे गंदगी फैलाने के लिए ये औरत आई है इंडिया में, और वो खुद यही चाहती है। जिस तरह मिथिलेश भाटी और काफ़ी ख्वातीन, काफ़ी वहाँ पे जो इंडियन मर्दों के हमने वीडियोस देखे हैं, सब यही कहते हैं कि दफ़ा करो इस औरत को, ये माशरे में गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। और जिस तरह वो भगवानों को ये चूम रहा है, ये जिस तरह से वो व्रत वगैरह रख रहा है, सब ये एक चाल है। और ये पाकिस्तान में मुस्लिम थी, यहाँ पे गाय की गोश्त भी खाती थी, और ये सब वहाँ पे जाकर अब कर रही है, ये नामुमकिन है। इंडियन जो दोस्त हैं, जो पब्लिक है हमारे, वो खुद ये बात जानती है कि ये सब एक फ्रॉड है, और ये औरत सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए वहाँ पे छुपने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। बाकी दोस्तों आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये भीख मांगती आपको नजर आएगी उस फैमिली के साथ, उस लप्पू के साथ, उस लप्पू के वालिद के साथ ये भीख मांगती आपको नजर आएगी। दोस्तों ये कहाँ से खाएगी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, खुद आप बता दें ये कहाँ से खाएगा। और लप्पू की तो कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, क्या ये यूट्यूब से जो है कमा कर ये 20-15 बंदे अपना जो है वहाँ से पेट पालेंगे, कि यूट्यूब से कोई 20-15 बंदे पेट पाल सकते हैं, ये नामुमकिन है। ये वहाँ पे गई है बस वो पैसे लेकर, हैदर के इसने जो पासपोर्ट, जो वीज़ा, जो लप्पू के पासपोर्ट, जो लप्पू के वीज़ा थे, सारा खर्चा इसी औरत ने किया, इसी बेशरम, इस बेहया औरत ने, और वो अब पैसे ख़त्म हो गई हैं। अब ये आपको इंडियन रोडों के ऊपर भीख मांगते नजर आएगी, और जो इंडियन पब्लिक है वो इसको भीख भी नहीं देंगे।